सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी कहती मौज में हूँ। तो गाइज आज की मॉर्निंग हो रही है महिंद्रा प्राइम ऑटो से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? महिंद्रा का टेम्पो, महिंद्रा का टेम्पो लेन टेम्पो ना भाई, इंडियन जी वैगन लेने जा रहे हैं आज हम अपने चाचा की पसंद की गाड़ी। तो देखते हैं क्या रेट मिलता है, क्या है क्या नहीं। ओ ये तो कैंपर है भाई, 4x4 है, 4x4 है। संपूर्ण मेरे ख्याल से 4x4 आ गया भाई, ऐसी है रेट तो सही है यार। फील तो है, फील का अनुभव। तो गाइस अब चलते हैं बुलेरो को देखने। यहाँ पे ना खड़ी इनकी बुलेरो खड़ी है स्टॉक यार्ड में, तो वहाँ देखेंगे गाड़ी। गाइस ये रही अपनी जी वैगन है, अरे मर्द गाड़ी है भाई, मर्द गाड़ी है। तीन को पीपा ना भाई साहब, जमा जम खवा देगी मार्केट में 26 लाख तक। यहाँ में प्लास्टिक किया क्या है? प्लास्टिक किया, खोल दियो खोल दियो। चाबी दिखा भाई, गर्म फुक रही है। तो गर्म फुक रही है, चले आओ अपने घर। गर्म फुक रही है तो अभी चिल्ड कर देते हैं। एसी भी चेक करना है इसका। बहुत आग लगी पड़ी है ना, सबको तो जुगाड़ है इसमें। और तू 15 लाख वो ले लिया, अरे स्टार्ट तो 20 नहीं है भाई। ये नकली क्यों लोग दे दिया यार वो वाला जी पुराने वाला बैठ। इतनी फील तो तगड़ी आ रहा भाई, ये म्यूजिक सिस्टम दे रहे, गर्म म्यूजिक सिस्टम है, रियल राइट टाइप प्रोसेसर लो सुन रहा है। ये देख आया तेरी गाड़ी में ना, मैं ना हो थार में भी ना है, थार में भी ना है। इतना अरे देख कितनी ऊंची लग रही यार, मजा आ रहा है। चले हार्ड हार्ड क्यों ना बोले, मेरा हाथ में वो दिक्कत हो रही थोड़ी सी। ओ भाई फुल मजा आ भाई, गर्मी के मतलब के तना रहे हो गाड़ी, गर्मी के मतलब के तना है। जेट ब्लैक करवा दे, सीट हल्की है कि ना, सीट हल्की है छोटी है, स्कॉर्पियो भी ऐसी रहे। हाँ फिर भाई एक बार फिर पैसे का तो फर्क है, यो बात यो भाई 10-12 लाख रुपये मोर का ही लोगे ये एक बार। हाँ ब्रेजा बलिनो स्विफ्ट 10 लाख की स्विफ्ट पड़ जाएगी टॉप मॉडल। खोल लिया क्या बोनट है? इंजन हल्को थोड़ी दिखे है ना, तगड़ा इंजन है ब्रेजा को, तो इतना उस बच्चे से इंजन है। ब्रेजा कितनी सीसी है? 1500। सही बता और का मैं तो आज बता लगी। आई लव यू बोल ले यार कुछ। क्या बोलूं भाई, ये बालक आ रहे हैं गर्मियां की छुट्टियां में, सब तरोटी खवा का सो पीछे रोटी मिल रही है। अच्छा जी, प्रियांशु का ब्याह हो जाएगा तो कम से कम प्रियांशु दो रोटी तो खवा दी छोरी है ना। आई ओरा क्यों अब मम्मी ना खवानी पड़ेगी, मेरी बहू कोई नौकर रहेगी? नौकर थोड़ी ना फर्ज होता है दोस्तों, अपने घर वालों घर वालों को तमाशा दिखाऊं तो मैं देखियो देखियो जी, इनकी कोई शक्ल ना है ना सूरत है। ताई तू भी ना धमकारी ने, ओ ताई ताई ने तो पैसे लगा के ना धमकाए तो हमने दिए कोई
देखिए भाई क्या हुआ भाई इनको जिंदगी में। तो भाई एक नई चीज दिखाऊं तो मैं, ये देखो क्या है जी सो ये ये जो सोच रहे हैं कि भाई इनकी चल जाएगी, ये भाई शहरी बालक है, तेज बालक हो गए आज की डेट में। मम्मी ने सोची इतनी मुश्किल से अंगा बने, अंगा मतलब ये अंगा कोई सिस्टम रहा है देसी आदमी तो गांव का आदमी तो जानते होंगे। हाँ लेकिन ये बेचारे शहर के बालक बहुत चालाक हो गए बालक, तो बहुत ज्यादा चालाक है, कुछ एक्स्ट्रा है चालाक है। नानी ने बहकाने के चक्कर में ये पिज्जा बना देगी इन्हें, देखियो पिज्जा पिज्जा ने नानी पिज्जा बना ली, नानी पिज्जा गाइस। किसी टाइम पे मेरे पास ये गाड़ी थी होंडा सिटी ZX, स्कूल टाइम पे लिए जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ा भाई, जब की गाड़ी है मतलब समझ रहे हो, तब मैं लेट हो रहा हूँ सोने में। ओ भाई लट कर रहा क्या जी नंबर भाई, बहुत प्यारी गाड़ी मजाक तक है ना, बहुत ही ज्यादा बदकती एक नंबर जहर गाड़ी, इंटीरियर बहुत प्यारा है। जो एक बार ये गाड़ी में मतलब समझ रहे हो सिस्टम है ना, उकाई भी गाड़ी बना रही यार ये तो आ गई है। देखो देखिए कैमरा कैसे देख रहे, एक सेकंड रुकिए भाई हम तो परेशान आ गए कंफ्यूज हो जाए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अब यार मेरे ना भाई एक कंफ्यूजन चल रही है बहुत ज़्यादा मोटी, अलॉय लगवाएं तो लगवाएं, कौन से लगवाएं, कहाँ से लगवाएं, जरा आप कमेंट सेक्शन में यार प्लीज़ बताओ भाई। बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कहना दिमाग ना घबराया पड़ा बिल्कुल कि कैसे क्या लगवाऊँ। क्रोम वाले मन करे अच्छे लगे हैं लेकिन क्रोम को इंसाफ मना कर दी कि भाई ये सीन है वो सीन है फलाना है ढिमका ना उतर जाएंगे, तो वहाँ तो दिमाग घबरा पड़ा है। एक ऑप्शन है कि भाई लिफ्ट किट लगा कर ऊंची करके गाड़ी और वहाँ मैं टायर लगा दूँ भारी, वहाँ तो यूँ लगे कि सेम अलॉय रहेंगे, लुक ना बन पाएगी गाड़ी की और कहाँ तो लुक बन भी जाओ, मतलब बहुत दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है यार। तो प्लीज़ गाइस करके छोड़ो यार काम है मेरे ना। और दूसरी बात रही बात बोलेरो की, भाई चाचा जी ये पसंद आ रही है बोलेरो गाड़ी हमारी, और बोलेरो लेंगे और फिर वो इस वजह से लेंगे फिर उसे 24 इंच डलवा देंगे सीधे ना माने, हमें सिर्फ एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए एक मतलब एक्स्ट्रा के तौर पे, जैसे खेत वेत पे जाने के नहीं आया फिर कुछ समझ रहे देसी जुगाड़ उस हिसाब से गाड़ी चाहिए। तो 10.5-11 लाख रुपये में बोलेरो तो बढ़िया गाड़ी, मौत लगे ना कोई और होएगी भाई, दमदार गाड़ी है बहुत तगड़ी गाड़ी है बोलेरो, मजाक तड़के कभी तुम नहीं सोच रहे हो वैसी गाड़ी है। तो अभी 2-4 जगह से बात चल रही है भाई बोलेरो का क्या रहता है वो भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। पब्लिक तो पलट कैसे देख के जाओ जन कहाँ राजा जा रहा हो तो बोलेरो का भी देखते हैं क्या सीन रहता है, और अलॉय व्हील के दो काम है तो कमेंट में भी करके बता दो कि भाई ओहो ये नहीं भाई इस बोलेरो ऐसी तो ना। लेकिन भाई एक मैंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, एक अपने SGT के भाई थे उनकी गाड़ी की, तो मतलब बहुत प्यारी लग रही गाड़ी और वहाँ गाड़ी देख कर तो ऐसी एक जस्ट दिमाग में आइडिया आ गया क्यों ना बोलेरो ली जाए, सही है ना।